वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार सा इंस्टेंट पॉट में मटका गोश्त कुन्ना गोश्त बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखें, मेरा सॉटे मोड पे इस वक्त है इंस्टेंट पॉट। अब इसमें हम आधा कप तेल डालते हैं। अब मेरे पास ये देखें 1.5 पाउंड के आसपास ये गोट है, लेकिन ये इसके लिए मैं बताती चलूं कि ये गोश्त की इम्पोर्टेंस बहुत है। बड़े बड़े चंक्स होने चाहिए और ये गोश्त या तो आप निहारी वाले यूज़ करेंगे या फिर पुट का यूज़ करेंगे। आप अपने बुचर से जाके कहेंगे कि आपको कुन्ना गोश्त बनाना है, मटका गोश्त बनाना है, तो वो ख़ास तौर से आपके लिए इस तरह की बोटियाँ जो कि हड्डी के साथ और ये एक अलग सा पोर्शन होता है उससे बनता है, तो मज़ेदार भी लगता है और एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस भी इसी से है। तो चले, मैंने बहुत लेक्चर दे दिया, अब मैं डालती हूँ गोश्त अपना अंदर। इंस्टेंट पॉट में या आपके कुकर में जब आप बनाएंगे तो ज़ाहिर है टाइम आपका बहुत बच जाएगा, और अगर आप पतीले में बनाते हैं तो नो प्रॉब्लम, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बाकी रेसिपी तो वही रहेगी। देखिए इस पॉइंट पर को ख़ास हमें कुछ करना नहीं है। ये पॉइंट जब आएगा कि हमारा पिंक नहीं है मीट, जब हम 1 टीस्पून इसमें जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़ेदार है और बहुत वैल्यूबल है। अक्सर जगह शादियों पे भी होता है और एक ज़माने में इसको मटके पे बनाया जाता था और अभी भी बना सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बड़ी बड़ी दावतों वगैरह में जब बनता है तो ज़ाहिर है मटके तो नहीं आते हैं और वो फ्लेवर वही होता है, मज़ेदार सा लगता है। देखें हमारे जिंजर गार्लिक के साथ भुनते हुए 2-3 मिनट हो गए। अब इसमें हम अपनी आधा कप प्याज डाल देते हैं, फ्राइड अनियन आधा कप। एक 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं, इससे ये होगा कि अनियन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी गोश्त में। चलें अब हम जो है इसमें मसाले डालेंगे। देखिए स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून जो है नमक है, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। देखा कितना सिंपल से मसाले हैं। और अब ये सब चले गए अंदर, इसको हम भूनेंगे विथ 1 टेबलस्पून या 2 जो भी पानी डाल के, ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं प्याज के साथ। मटका गोश्त कुन्ना गोश्त में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुन्ना गोश्त जो होता है वो थोड़ा भुना भुना सा होता है, थोड़ा मुरगन होता है, और मटका गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा शोरबे वाला होता है। लेकिन बेसिकली इसमें ना दही पड़ता है ना टमाटर पड़ते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे तो आपको लगेगा ये निहारी की बहन है बिना एफर्ट के। एक अलग सा टेस्ट है लेकिन कुछ सिमिलरिटी दोनों की है, ऐसा सेम फैमिली लगता है और फिर सिंपल भी है। देखिए थोड़ा थोड़ा 1/8 टेबलस्पून पानी डालकर इसको भूनते जाएंगे। चले लास्ट हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। और तो हमने इस्तेमाल कर लिया है ऑलमोस्ट 1 कप पानी इसको भूनने के सिलसिले में। देखें हमारे गोश्त की भुनाई तो बहुत अच्छी सी हो गई है और अब हमारा तेल ऊपर आ रहा है, तो अब हम इस पॉइंट पर अपना पानी डाल देते हैं। ये मैंने 3 कप लिया है, देख मैं बताती हूँ मैंने कितना डाला है। इसको हिला लें पहले अच्छी तरह, ताकि नीचे से सारे स्पाइसेस जो भी चिपके हुए हों या जो भी है वो सब ऊपर आ जाएँ, मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह। 3 कप ही मैंने पूरा पानी डाल दिया।
चलें अब हम इसको अपना 15 मिनट के टाइमर पे लगाते हैं। चलें इंस्टेंट पॉट को हम बंद करते हैं और सबसे पहले विसल को घुमा देते हैं ताकि भूल ना जाए। वेंट पे नहीं रखना है, हमें प्रेशर पे रखना है। ये वाला जो सॉटे का मोड है उसको हम कैंसिल करते हैं, ऑफ हो गया। अब हम अपना प्रेशर कुक का बटन दबाते हैं और अपना टाइमर बढ़ाते हैं। हमें रखना है ये 14 मिनट पे, ठीक है? तो मिलते हैं 14 मिनट के बाद। अच्छा देखें, हमारा टाइमर ऑफ हुए हुए 24 मिनट्स हुई है। इसको वेंट करते हैं। स्टीम में से बड़ी अच्छी खुशबूएं आ रही है। चले जी हम खोल के देखते हैं। बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और देखें आप बोटी, मैं आपको बताऊं कितनी अच्छी सी टेंडर हो गई है। देखें ये, देखें हाथ लगाएं उससे पहले ये फॉल हो रही है। ये हमें इसी तरह का चाहिए जैसे निहारी का कैसा होता है, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो और ये बोटियाँ साबुत नज़र आनी चाहिए और फिर ये इतना गला हुआ होना चाहिए। 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो इसमें थोड़ा सा निहारी की तरह ही पानी डालेंगे। ये तकरीबन 1 कप पानी है, तो मैं इसमें डाल के आपको बताती हूँ कि मैंने कितना यूज़ किया। मैंने लेस देन 1/2 कप इसको यूज़ किया है और इसको हम मिलाते हैं। अच्छा देखें, हमारी अब गोलियां नहीं है इसमें, ये मेक श्योर करना है हमें। तो 1/2 कप डाला था पहले, लेकिन कभी भी एक साथ सारा पानी नहीं डाल देने का होगा क्योंकि वरना तो गुठलियां ख़त्म नहीं होगी। 1-2 टेबलस्पून और डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छा देखें, तो अब हम आटा डालने से पहले, वो तो टाइमर तो हमारा ऑफ हो गया था, प्रेशर कुक का जो था मोड उसको हम कैंसिल करेंगे। और हम अब, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम तो कीप वार्म में भी डाल सकते हैं अगर हमें टाइम ज़्यादा है तो, और हम सॉटे में भी डाल सकते हैं। मैं आपको सॉटे में फ़िलहाल डाल के और 5 मिनट के लिए हम इसको, इससे सिमर हो जाएगा, आटा रखेंगे। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप रखेंगे और वार्म पे होगा तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेंगे, हमारा चला गया इसमें। और अब लास्ट हमारी आइटम है, वो है 1.5 टीस्पून काला ज़ीरा। ये मटका गोश्त की जान है, तो ये इस वक्त हम डालेंगे हाथ में लेके और थोड़ा सा इसको मस लेंगे, हल्का हल्का सा। कुछ साबुत रहेगा, कुछ मसल जाएगा और ये इसमें लास्ट चीज़ ये पड़ जाएगी। अब बस अब हम इसको सिमर पर डाल देते हैं। 5 मिनट हमने इस सिमर में रखते हैं और हम बंद कर देते हैं, अपने कवर कर देते हैं इसको। चलें अब हम कैंसिल करते हैं इसको, ऑफ करते हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है। चलें अब हम डिश आउट करते हैं इसको। चलें हम अपना गार्निशिंग करते हैं, थोड़ा सा सिलांट्रो और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, जूलियन जिंजर। देखा कितने कम स्पाइसेस से और कितना एफर्टलेस ज़बरदस्ती एक दावतों वाली डिश बन गई। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ऐसी ख़तरनाक खुशबूएं आ रही है और ज़ायका, तो वो आप खाएंगे जब आपको पता चलेगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।